हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, डी फार्मेसी। फर्स्ट ईयर का यह सब्जेक्ट है। इसमें हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। इसमें डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स या कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन्स। यदि आप बात करें हम इस यूनिट की, तो हम अभी तक इसमें बात कर चुके हैं हमारा ब्रीफ केमिस्ट्री ऑफ रोल ऑफ प्रोटीन में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोजिशन, रोल एंड फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज बात करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसके पहले हम बात कर चुके हैं अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है। आज बात करेंगे हम क्वालिटेटिव टेस्ट और प्रोटीन। जो पुराने वीडियो है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप में से जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें या क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो बायूरेट टेस्ट आपको पूछा जाता है। एक बायूरेट टेस्ट है। बायूरेट टेस्ट में हम बात करेंगे प्रोटीन जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसके साथ यदि हम बायूरेट रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, यानी एक टेस्ट ट्यूब में हमें प्रोटीन सॉल्यूशन लिया और बायूरेट रिएजेंट लिया, तो ये पिंक या पर्पल कलर देता है। इससे हमको पता चलता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये क्या है, प्रोटीन है। निनहाइड्रिन टेस्ट की यदि बात करते हैं, तो प्रोटीन सॉल्यूशन जो हमारा पास है या टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है, उसमें जब हम निनहाइड्रिन सॉल्यूशन मिलाते हैं और इस निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को मिलाकर हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह हमको पर्पल कलर देता है। इसको हम बोलते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। इससे पता चलता है कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें प्रोटीन है। ज़ेंथोप्रोएटिक रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटीन सॉल्यूशन है उसको लिया, उसके साथ हमने कंसंट्रेट HNO3 ऐड किया। अब कंसंट्रेट HNO3 ऐड करने के बाद क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं आपके टेस्ट ट्यूब में। जब आप देखेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। जब इन व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम गर्म करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ज़ेंथोप्रोएटिक प्रोटीएक रिएक्शन। अब मिलॉन्स रिएजेंट की बात करते हैं या मिलॉन्स टेस्ट की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर वो अमीनो एसिड देते हैं जिसमें टायरोसिन होता है, यानी कि जो आपके पास प्रोटीन है उस प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड और जो मुख्य अमीनो एसिड है वो क्या है, उसमें टायरोसिन प्रेजेंट रहेगा। जब टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा उस प्रोटीन में, तो प्रोटीन प्लस मिलॉन्स रिएजेंट करा तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें प्रोटीन है और उस पर्टिकुलर प्रोटीन में क्या है, आपकी टायरोसिन अमीनो एसिड है। इस टेस्ट को आप अमीनो एसिड के टेस्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेड एसिटेट टेस्ट की। लेड एसिटेट क्या होगा, इसमें क्या रहेगा आपका, जो अमीनो एसिड सल्फर कंटेन करते हैं, आपका ऐसा प्रोटीन जिसमें वह अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड यदि किसी प्रोटीन में है तो वो लेड एसिटेट टेस्ट देगा। क्योंकि प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, किसका, आपकी जो अमीनो एसिड है उसका, अमीनो एसिड सब यूनिट है ना इसकी, प्रोटीन की। तो इसलिए प्रोटीन को जब हम स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ गर्म करते हैं, आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली ले लिया, NaOH, KOH कुछ भी लिया, उसमें प्रोटीन सॉल्यूशन मिलाया और इसको गर्म करा, तो अमीनो एसिड के अंदर जो सल्फर है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब जब सल्फर स्प्लिट हो जाएगा और इस सल्फर की रिएक्शन आप लेड एसिटेट से कराएंगे, तो क्या बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे लेड सल्फाइड के, ठीक है, लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको यहां पर मिलेंगे। फिर साकागुची टेस्ट। साकागुची टेस्ट जनरली उस प्रोटीन के लिए होता है जिस प्रोटीन में आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए पर्टिकुलर साकागुची टेस्ट पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज करो दो नंबर में उसने पूछ लिया आर्जिनिन के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं, तो आपको नाम मालूम होना चाहिए, साकागुची टेस्ट। साकागुची टेस्ट में क्या होगा, जो आपका प्रोटीन सॉल्यूशन है उसके साकागुची रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे और रेड कलर देगा। इससे हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में आर्जिनिन प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे नाइट्रोप्रुसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट। इसमें क्या होगा, वो अमीनो एसिड जो सस्टेन जिस प्रोटीन में रहता है अमीनो एसिड, वो ये सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट देते हैं। अब इसमें प्रोटीन सॉल्यूशन रहा, उसके साथ हमने सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड मिलाया, कौन सा, अमोनिकल सॉल्यूशन में, ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने क्या करा, प्रोटीन
हमारा सॉल्यूशन ऐड करा तो ये क्या देगा आपको, रेड कलर। अब इसी के साथ हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात के साथ हम एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं आपके प्रोटीन की, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीनेचुरेशन क्या है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज डिफाइंड एज डिसरप्शन ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, यहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात नहीं है, डिसरप्शन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। आपका जो प्रोटीन है उसका सेकेंडरी टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का डिसरप्शन हुआ, लीड टू ऑफ अल्टरेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अफेक्टेड प्रोटीन। यानी कि आपका जो प्रोटीन है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ये सब प्रोटीन है और मिक्सअप है सब, और उसका डिसरप्शन हुआ किसी भी रीजन से, वो हम बात करेंगे क्या रीजन होते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसमें जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। ठीक है, इफ प्रोटीन इन अ लिविंग सेल, यदि ये प्रोटीन लिविंग सेल के अंदर है और उसमें डीनेचुरेशन हो गया तो इसके कारण से क्या होगा, डीनेचुरेशन होने के कारण सेल डेथ भी पॉसिबल है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो सेल है उसका डीनेचुरेशन करा देते हम प्रोटीन सिंथेसिस। आप जब फार्माकोलॉजी में अगले साल पढ़ेंगे तो क्या होगा, राइबोसोम की सब यूनिट 38 पे आपका पास डीनेचुरेशन हो जाता है, वहां पर बहुत सारे एंटीबायोटिक वहां पर एक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया या जो आपका बैक्टीरिया उसकी जो फर्दर ग्रोथ होना होती है वो बंद हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डीनेचर्ड प्रोटीन लॉस देयर 3D स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कैन नॉट फंक्शन। आप उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो लॉस कर देता है, इससे क्या होता है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। अब डीनेचरिंग एजेंट क्या होंगे, फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट कौन कौन से हो गए, हीट हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, एक्सरे हो गया, हाई प्रेशर एंड हाई शेकिंग ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन। आपने या तो बहुत प्रेशर में रख दिया या बहुत ज्यादा शेक कर दिया प्रोटीन सॉल्यूशन के, तो क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं केमिकल एजेंट की, तो केमिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एसिड हो सकता है, या फिर आप अल्कली से उसको कर सकते हो, या फिर एंजाइम कुछ ऐसे हैं जो आपके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, मेटल सॉल्ट बहुत सारे सॉल्ट फॉर्मेशन बनाने हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और यूरिया एंड डिटर्जेंट, यूरिया और डिटर्जेंट से भी आपका जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है। अब क्या क्या चेंज हो सकते हैं आपका जब डीनेचर्ड हुआ, सपोज करो हीट के कारण डीनेचर्ड हो गया या एसिड अल्कली के कारण हुआ, तो चेंज क्या होंगे, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, तीन तरह के चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होगा प्रोटीन के आप में, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज डिक्रीज, जो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज, क्योंकि आपका जो प्रोटीन है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन इज अल्टर, जो प्रोटीन की सरफेस टेंशन है वो अल्टर हो जाएगी। डीनेचर्ड प्रोटीन कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, जो डीनेचर्ड प्रोटीन होता है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता है। फिर केमिकल चेंज की बात करें कि क्या केमिकल चेंज हो सकते हैं, ड्यू टू द केमिकल डीनेचुरेशन स्प्लिटिंग ऑफ लिंकेज इज अकर। अब भाई हमने बोला हाइड्रोजन लिंकेज हो जाता है, इसके पहले हमने पढ़ा है पेप्टाइड लिंकेज है, तो जब आपका केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेकेज हो जाएंगे, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इस स्प्लिटिंग के क्या हो जा कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट हो गया, डाइसल्फाइड सल्फर, सल्फर जो आपका अमीनो एसिड में बॉन्ड है वो स्प्लिट हो गया। जब ये स्प्लिट हो गया तो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया मतलब उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई। द स्प्लिटिंग केस कॉज अनफोल्डिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड चेन है उसकी अनकॉइलिंग हो जाती, क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई यानी बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया तो आपके पास एक चेन है, चेन की एक कड़ी खुल गई तो क्या हुआ, चेन टूट गई ना। ठीक है, ड्यू टू दिस एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन चेंज और डिस्ट्रॉय, या तो ये क्या होगा चेंज होता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है इस एक्टिविटी के कारण। यहां पर आप देखेंगे तो ये कुछ चेंज और डिस्ट्रॉय। अब यदि हम बात करते हैं बायोलॉजिकल चेंज की, तो बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है, डीनेचर्ड प्रोटीन आर इजीली एंड क्विकली डाइजेस्टेड बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट इजीली कर लेते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन को। डीनेचुरेशन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन अल्टर्स द एंटीबॉडी फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो एंटीबॉडी का जो फंक्शन है उसको कम कर देता है या चेंज कर देता है। एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी प्रोटीन की, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
सेपरेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिकल्स फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कुछ सीधा सा फंडा है कि आपका जो प्रोटीन है वो एक सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट आउट होना, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, अलग होना, उसको बोलेंगे हम कोएगुलेशन। कोएगुलेशन दो स्टेप में होता है। इनिशियल स्टेप में क्या होता है, इनिशियल स्टेप डीनेचुरेशन विच कन्वर्ट द प्रोटीन इंटू मेटाप्रोटीन। फर्स्ट स्टेप में आपका जो प्रोटीन है वो मेटाप्रोटीन में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये जो मेटाप्रोटीन है ये क्या होता है, एसिड अल्कली में सॉल्युबल, इसको हम आप नहीं कर सकते, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, मेटाप्रोटीन, और ये चेंजेस हो जाते हैं, इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। एडिशन ऑफ एसिड अल्कली और नेचुरल साल्ट, अब आपने इस सिचुएशन के बाद या तो एसिड अल्कली या नेचुरल साल्ट जब डाला तो ये क्या होगा, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रिएक्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटाप्रोटीन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आपका प्रोटीन पहुंचेगा और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, अ इनसॉल्युबल मास इज फॉर्म्ड व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन प्रेसिपिटेशन मेटाप्रोटीन, ठीक है, एक इनसॉल्युबल मास बनता है कब, जो आपका ये मेटाप्रोटीन है जब इसको आप हीट करोगे तो एक इनसॉल्युबल मास बनता है। अब ये प्रोसीजर जब यहां के बाद क्या होगा, ये इरिवर्सिबल हो गया, एक बार कोआगुलेट हो गया तो फिर आप उसमें कितनी ही अल्कली डालो, कितना ही एसिड डालो, वो फिर से घुलेगा नहीं, वो अलग हो जाएगा। अंडा देखा है आपने, अंडा सबने देखा है, बॉइल करते हैं जब, क्या करते हैं हम, बॉइल करता है तो व्हाइट पार्ट जो उसका प्रोटीन पार्ट है वो पूरा कैसा हो जाता है, और येलो पार्ट भी कोआगुलेट हो जाता है। उसी की वजह जब हम अंडा फोड़ते हैं बिना कोआगुलेशन के तो क्या होता है, पूरा लिक्विड होता है, यानी कि प्रोटीन उसमें रहता है। अब प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा कंटामिनेंट्स दैट मे बी मिक्स्ड विद ई। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा जो कंटामिनेशन है उससे हम प्रोटीन को अलग करें। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम प्रोसेसिंग एंड कैन बी डन विद अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, या अलग अलग टेक्निक हो सकती है। वाइल देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन द टू मोस्ट पॉपुलर वंस आर साल्ट इंड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन, पहली साल्ट इंड्यूस, दूसरा अमोनियम सल्फेट, और आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अब प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ हीट एसिड अल्कली और एंजाइम, आपने हीट एसिड अल्कली या एंजाइम से आपने रिएक्शन करा उससे प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन इज ए इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, द प्रेसिपिटेशन कैन बी डिजॉल्व बाय सफिशियंट एसिड और अल्कली। प्रेसिपिटेट जो है इसको आप एसिड या अल्कली आप सफिशियंट मात्रा में डालोगे तो क्या होगा, ये फिर से आपका डिजोल्व हो जाएगा और प्रोटीन बन जाएगा, लेकिन कोआगुलेशन के बाद प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। अब कौन कौन सी मेथड या एजेंट है, तो हेवी मेटल्स जितने भी है, लेड एसीटेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अल्कलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर लें तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या सल्फोसैलिसिलिक एसिड या टेनिक एसिड, ये भी आपके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इथेनॉल और एसीटोन, इनको यदि हम किसी प्रोटीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये भी आपके जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन, आपके पास अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट जैसे सॉल्यूशन है और आपने उसको प्रोटीन सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, ये आपका जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। हीट एक मात्रा तक आपके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगी। तो ये आपका क्या हुआ, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो गया। अब आपको डिपेंड करना है कितने मार्क्स में पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको देखना है। रेफरेंसेस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बाय डॉक्टर एन मुर्गेश सबसे बढ़िया बुक, google.com और info gbiosciences.com, ठीक है, इससे मैंने लिया है, आप वहां जाकर भी रिफर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।